अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूँ जाहिद हुसैन लाशारी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि अपने वालदेन का ख्याल रखें। प्लीज़ प्लीज़ अपने वालदेन की कदर कीजिए, अपने वालदेन का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, प्लीज़ सबका ख्याल रखें। आपके पड़ोसियों का, उनके हुकूक हैं जो आपको मुझ समय सबको अदा करने, वो आप अदा कीजिए, हम अदा करें। और अपने वालदेन की रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, क्योंकि वालदेन बहुत अनमोल हैं। जब ये इस दुनिया में हैं तो हम इनकी कदर नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि वालदेन की कदर क्या आती। तो प्लीज़ 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 अपने वालदेन की रिस्पेक्ट करें, अपने वालदेन की कदर करें, अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने फैमिलीज़ की, उनका ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का मिलना जुलना, अपना मिलना जुलना रहे, कम नहीं कीजिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत बहुत ही गुनाह का काम है। मुझ समय जो हम ये नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना है। मोहब्बत बढ़ानी है, नफ़रत को ख़त्म करना है। आजकल देख रहे हैं नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा अपने आप में मगन है, यानी कि किसी का कुछ ख्याल नहीं है कि बस मैं ये मैं काम नहीं आएगी, मेरे भाई मैं काम नहीं आएगी। अपने रिश्तेदारों का, अपने बहन भाइयों का, अपनी फैमिलीज़ का, उनको सेफ रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी कदर कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप की कदर कीजिए। वालदेन बहुत अनमोल हैं, बहुत अनमोल हैं वालदेन, यकीन करें आप इनकी कदर कीजिए। जब इस दुनिया में हैं तो हम इनकी कदर नहीं कर पाते, जब इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमें इनकी कदर पता चलती है। एक बाप उंगली पकड़ कर अपने बच्चे को चलना सिखाता है, उसको अपने पाँव पे खड़ा करता है, उसको इस मकाम तक पहुंचाता है। 10 बच्चों को एक बाप पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे दो बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो मुझ समेत प्लीज़ प्लीज़ हमें यही चाहिए कि अपने वालदेन की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, अपने बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। प्लीज़ आप भी इस मिशन में मेरा साथ दें। ये मेरा मैसेज था छोटा, अपने वालदेन की कदर करें। और आजकल देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, तो प्लीज़ सेफ रहें, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, इनको घर में रखें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको सेफ रखें, इनको कम बाहर निकलने दें, ज़रूरत हो तो बाहर जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, क्योंकि वबा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ऐसे मुंतकिल होती है। प्लीज़ तो अपना ख्याल रखें। तो मेरा छोटा सा ये मैसेज था।